हल्द्वानी में सीएससी सेंटरों में अपने काम को लेकर हर दिन तमाम लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कई सीएससी सेंटरों में संचालक सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही कई ग्राहक दस्तावेजों के लिए अधिक चार्ज वसूलने की भी बात कर रहे हैं। इस पर तहसीलदार ने एक मुहिम छेड़ दी है। वहीं प्रत्येक सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि सीएससी सेंटरों में कोई खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार का कहना है कि लोगों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितताएं ना हो, इसके लिए छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अगर किसी प्रकार की अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चलिए, वर्तमान में जो सीएससी सेंटर संचालित है हमारे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र लोग लेके जाते हैं। तो कुछ प्रकरण संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे सीएससी सेंटर द्वारा एडिटिंग कर प्रमाण पत्र या दस्तावेजों के साथ छेड़छानी के प्रकरण आए थे, उनके हमें निरस्त करने की कार्रवाई भी करी है। एवं हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र बने किसी के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न की जाए, इसलिए औचक छापेमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।